हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ चुकी हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो, जिसमें मैंने शेयर किए हैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको इस्तेमाल करके आप अपने डेली के काम को काफ़ी हद तक आसान कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो भी शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ले लिया है कैरी बैग। अब इस तरह के कैरी बैग ना हम सभी के घर में होते ही हैं और इनको हम यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे ही इधर उधर डाल देते हैं। तो आज मैं आपको इस कैरी बैग का बहुत ही बढ़िया सा इस्तेमाल बताऊंगी। तो इसके लिए फ्रेंड्स, हमें इस तरह का जो चौड़ा वाला कैरी बैग होता है ना, इसका इस्तेमाल करना है, जिसमें कि ये बैक साइड चौड़ी सी पट्टी लगी रहती है। इसी तरह का कैरी बैग लेना है और इसमें हमें छोटा सा काम करना है, कैंची लेना है और उसकी मदद से हमें यहाँ पर कट लगा देने हैं। अब ये कट हमें क्यों लगाने हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें कट लगा देना है और उसके बाद इस तरह से लंबाई में कट लगा देना है। आप थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरह से इसमें कट लगा दीजिएगा, इजी तरह से हो जाएगा और ये ऑर्गेनाइज़र हमारा बहुत ही बढ़िया से बनके तैयार होता है और कुछ भी इसमें खर्च नहीं होता है। जो वेस्ट चीज़ पड़ी थी जिसको हम यूज़ नहीं करते थे, वो भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से यूज़ हो जाता है। अब देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर कट लगा दिए हैं। बैक साइड जो हैंडल साइड होता है उसके बैक साइड हमें लगाने हैं। अब देखिए, इस तरह की साड़ियाँ हम सभी लेडीज़ के पास होती हैं और इनको अलमीरा में हैंग करते हैं। तो एक दिक्कत ये आती है, जब भी हमें साड़ियों को निकालना होता है तो एक साड़ी निकालते हैं और दूसरी साड़ी हैंगर से गिर जाती है। तो इसके लिए भी छोटा सा ट्रिक है, आपको ये कैरी बैग लेना है और इस तरह से आप इस कैरी बैग के अंदर इन साड़ियों को डाल के रखेंगे। तो इससे हमें कई सारे बेनिफिट होंगे। जो हमारी थोड़ी सी हैवी साड़ियां होती हैं, मतलब कॉस्टली होती हैं, उनको भी आप इस तरह से डाल के रखेंगे तो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज रहेंगी। और साथ ही साथ जो साड़ियां हमारी बाहर कभी कभी हम हैंग करते हैं तो धूल मिट्टी वगैरह आती है, तो वो भी बिल्कुल इसके अंदर नहीं आएगी। इस जो ऑर्गेनाइज़र बनाया है, इसको आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप इसको परमानेंट तरीके से इस तरह से देखिए साड़ियों को डाल के रख सकते हैं और कभी कभी साड़ियों को हमें धूप दिखानी होती है तो आप इस कैरी बैग का इस्तेमाल करके इसको धूप में भी डाल सकते हैं। इसके अंदर साड़ियाँ रखना और निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इस तरह से आप कैरी बैग को बिल्कुल मत फेंकिएगा, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, 3 से 4 साड़ियाँ मैंने इसमें लगा दी हैं क्योंकि कैरी बैग जो है थोड़ा सा बड़ा है, तो आप इसमें इस तरह से देखिए लगा दीजिएगा। और बैक साइड से हमने बैग कट किया है, यहाँ से जो हैंगर है इसके हुक को हम इजीली तरह से निकाल के इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। बहुत ही कमाल का आइडिया, आई होप आपको ये आइडिया भी पसंद आया होगा। तो जब भी आपको अपनी महंगी साड़ियों को ऑर्गेनाइज करना है, आप इस कैरी बैग को इस्तेमाल करके अपनी अलमीरा के अंदर लगा सकते हैं। अगला ट्रिक है हमारा बेडशीट को लेकर। तो देखिए, विंटर सीजन में हम सभी लोग मूंगफली खाना बहुत पसंद करते हैं और कभी कभी ना हम बेड पर ही इसको बैठकर खाते हैं। अब घर में छोटे छोटे बच्चे होने से ना क्या करते हैं, इस तरह से देखिए कुछ ना कुछ मूंगफली का कण गिरा देते हैं और ये इसका छिलका इतना ज़्यादा स्टिकी होता है कि इसको हाथों से निकालते हैं तो ईजी तरह से ही निकलता नहीं है। आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर जो बड़ा बड़ा मूंगफली का छिलका होता है वो तो इजी तरह से निकल जाता है, लेकिन इस तरह का जो छोटा छोटा छिलका रह जाता है वो बिल्कुल भी नहीं निकलता है। इस तरह से देखिए, मैं आपको हाथों से करके दिखा रही हूँ। और विंटर सीज़न में हम सभी लोग बेडशीट जो है गर्म वाले इस्तेमाल करते हैं तो इसमें छोटे छोटे कण जाके फंस जाते हैं जो इजी तरह से नहीं निकल पाते हैं। तो इसके लिए छोटा सा ट्रिक है, आपको लेना है इस तरह का पुराना सॉक्स। अब देखिए, यहाँ पर मैंने सॉक्स को अपने हाथ में पहन लिया है। आप कितना भी छोटा कण हो और उलन बेडशीट हो, आराम से आप इसको इजी तरह से क्लीन कर पाएंगे। सॉक्स की मदद से बहुत आसानी से ये छिलका या छोटा छोटा जो कण होता है वो आसानी से निकल जाता है। तो इस तरह से बच्चे कितना भी खेलें कूदें या
फिर कुछ भी गिराएं, छिलका वगैरह, वो आप इस तरह से इजी तरह से क्लीन कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, बेड जो है कितना अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है, एक भी कण यहाँ पे नहीं रह गया है। आई होप आपको ये वाला ट्रिक भी पसंद आया होगा। जब भी बच्चे इस तरह से कुछ भी बेडशीट पे गिरा दें तो आप अपने हाथों में सॉक्स को पहनकर बहुत ही आसानी से इसको साफ़ कर सकते हैं। अगर ट्रिक अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि हर लेडीज़ तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इस टिप को यूज़ कर पाएँ। और सॉक्स तो हम सभी के घर में पुराने होते ही हैं, तो क्यों ना इनको इस तरह से इस्तेमाल कर लें। अगला ट्रिक है हमारा चार्जर को लेकर। तो देखिए, चार्जर का इस्तेमाल हम सभी लोग अपने घरों में डेली ही करते हैं मोबाइल को चार्ज करने के लिए, लेकिन इस तरह के जो कनेक्टर वाले चार्जर रहते हैं ना, कभी कभी ख़राब हो जाते हैं, तो इनको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं या फिर पड़े रहते हैं। तो इन चार्जर को भी हम बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने चार्जर की डोरी को अलग कर दिया है और उसके बाद जो इसका कनेक्टर रहता है ना, इसको हमें इस्तेमाल करना है। अब ये इस्तेमाल करेंगे हम एज अ फ़ोन होल्डर। इस तरह से देखिए, आप इस पे अपने फ़ोन को लगा सकते हैं, इजी तरह से इसमें होल्ड हो जाता है और कोई भी खर्चा नहीं है, बिल्कुल फ्री का जुगाड़ है। तो जब भी आपके पास चार्जर ख़राब हो जाए, आप उसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख ही सकते हैं, फ़ोन जो है इस पे अच्छी तरीके से होल्ड हो चुका है। तो बिना खर्चा के बेस्ट आइडिया है, आप इसको ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आलू को बॉईल किया हुआ है और विंटर सीज़न में आलू के पराठे खाना बहुत पसंद आता है, लेकिन जब भी हमें आलू को छीलना होता है, कभी कभी जल्दीबाजी होती है, बच्चों को लंच में देना होता है या फिर हमें जल्दीबाजी में काम करना है और इन आलू को भी छीलना है, तो हम क्या करते हैं, गर्मा गर्म इन आलू को इस तरह से छीलने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे हाथ भी जलने लगते हैं और अच्छे से हम आलू को छील भी नहीं पाते हैं। तो ऐसा हम क्या करें कि हमारे हाथ भी ना जलें और अच्छे तरीके से आलू को हम छील भी पाएं। तो इसके लिए देखिए, हमें लेना है एक फॉक और इस तरह से हमें फॉक में आलू को लगा देना है। उसके बाद रोटी बनाने वाला चिमटा लेना है और इजी तरह से देखिए, हमें हाथ भी नहीं लगाने पड़ेंगे और गर्मा गर्म आलू को हम फटाफट से छील पाएंगे। अब चाहे आप इसे पराठा बनाएं, सब्जी बनाएं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, फटाफट से हमारा काम हो जाता है। देखिए कितना आसानी से आलू का छिलका जो है इससे निकल जाता है। आई होप आपको ये वाला ट्रिक भी पसंद आया होगा। तो जब भी आपको गर्मा गर्म आलू छीलना है तो आप इस वाले ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सिलेंडर लिया है मैंने और सिलेंडर का इस्तेमाल हर घर में होता है और जैसे ही विंटर सीज़न आते हैं ना, गैस बहुत जल्दी से ख़त्म होने लगती है। जो सिलेंडर हमारा 2 महीने चल जाता है, वो सिलेंडर हमारा 1 या फिर 1.5 महीने ही चलता है। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि विंटर सीज़न में ना गैस बहुत ज़्यादा जमने लगती है। तो इसके लिए हम क्या करें कि गैस भी ना जमे और हमारा काम भी आसान हो जाए। तो आपको जब भी सिलेंडर लेना है, जब भी आप अपने गैस स्टोव से इसको कनेक्ट कर रहे हो, उससे पहले हमें छोटा सा काम करना है। हमें कोई भी पुराना स्वेटर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने स्वेटर ले लिया है, इसका यूज़ नहीं होता है, तो इस स्वेटर को हमें इस सिलेंडर में पहना देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिलेंडर में स्वेटर को पहनाने से क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जब भी हम स्वेटर को वियर करते हैं, हमें गर्माहट का एहसास होता है। तो इस तरह से आप स्वेटर को इसमें पहना के रखेंगे तो इसकी गैस ना जमने नहीं पाएगी और हमारा सिलेंडर जो है पूरा फुल टाइम चलेगा, बिल्कुल भी इसके अंदर गैस वगैरह नहीं जमेगी, क्योंकि स्वेटर से इसको गर्माहट मिलती रहेगी जिसकी वजह से गैस वगैरह नहीं जमेगी। तो इस तरह से हमारे जो वेस्ट स्वेटर हैं उनका यूज़ भी हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा, साथ ही साथ खूब सारी बचत भी हो जाएगी। अब देखिए, इस तरह से लगाने के बाद इसको आप अपने गैस स्टोव से जोड़ दीजिए। इस तरह से हमारे जो
जो पुराने स्वेटर हैं उनका यूज़ भी हो जाएगा और हमारे गैस की बचत भी हो जाएगी। तो विंटर सीजन में आप इस ट्रिक को ज़रूर से फॉलो करके देखिएगा। अगर आपके पास पुराना स्वेटर नहीं है तो आप कोई भी शॉल वगैरह या फिर ब्लैंकेट वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से देखिए पूरा ही सिलेंडर अच्छे से कवर हो चुका है, बिल्कुल भी इसके अंदर गैस नहीं जमने वाली है। तो इस तरह से छोटे छोटे जुगाड़ करके हम अपने घर में काफ़ी सारी बचत कर सकते हैं। अगर ट्रिक अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा है कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो का लिंक एंड स्क्रीन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो कल फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।